हमारा नेक्स्ट तरीका कि आप इस तरीके से भी इसको बांध सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बांधना कैसे है, ठीक है। अब जैसे ही आपने उतारा, ठीक है, ये इस तरीके का होता है, तो इसे कहते हैं बंडाना, ठीक है। और आप इसको क्या करो, किसी भी आदमी या औरत के गले में ऐसी तरह से डाल लो, ठीक है। आपने डाल लिया और आपने क्या करना है, आप इसको, एक तरीका ये होता है, आप इसको एज अ मफलर भी आप लगा सकते हो, ठीक है, एक ये तरीका है। और फिर आप क्या कर सकते हो, इसको पीछे से उठाओ, ठीक है, और एक ये तरीका है, जैसे आप बाइक पे जाओ या धूप से बचना है तो एक ये तरीका है इसको पहनने का, ठीक है। ये हो गए दो तरीके। ठीक है, ये है तीसरा तरीका, तो आप इसको इस तरह से पहन सकते हो, ठीक है। चौथा तरीका आपको बताते हैं, आपको क्या करना है, इसको बस ऐसे कर लो डबल करके, तो आपके इससे कान भी कवर हो जाएंगे। और एक ये तरीका है, ठीक है, कितने हो गए, तीन, अबे चार, चौथा है ये, चौथा है, तो ढीला इंसान है, ठीक है। ये हो गया चौथा तरीका, अब हम आपको दिखाते हैं पांचवा तरीका। आपने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है, और इसको ऐसे करके, तो इससे आपने देखा कितनी अच्छी लुक आ रही है इससे। तो एक तरीका ये है इसको पहनने का, देखिए मम्मी है ना। और एक तरीका है आपको क्या करना है, मॉडल के चेहरे पे से उतार देना है, मॉडल क्या कहती है वो, आपको फिर से डालना है इसको। और एक तरीका ये है पहनने का इसको, लेफ्ट राइट फोर्थ, ठीक है। एक तरीका ये है इसे पहनने का, आपने ऐसे करना है इसको, ठीक है, फिर इसको ऐसे लेना है, दो अंटे मारने, पहले आप इसको उल्टा कर लो, उल्टा कर लेना है पहले इसको, ठीक है, आपने ऐसे ट्विस्ट दो अंटे मारने हैं इसमें, ट्विस्ट नहीं कहेंगे हम इसको, अंटा मारना बोलो सीधे देसी भाषा में, देसी, ठीक है। और आपने क्या कर देना है, मॉडल को पहना देना, तो इस तरीके से भी आप इसको पहन सकते हो, cool. और एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ इससे और कैसे पहनना है। मुझे ऐसे फीलिंग क्यों आ रही है कि मैं बंडाना बेचने वाली हूँ। ठीक है, आपने ऐसा बनाना है इसको, और ये आपने क्या करना है, अगर आप बिग बॉस देखते हो तो आपने उमर रियाज को पहने हुए देखा होगा इस तरह का बंडाना। और अगर आप यस मेंबर हो तो हम ये देखो, एक तो आप इस तरीके से पहन सकते हो इसको, ठीक है, एक और कैसे क्यों कर लिया, और एक आप इस तरीके से पहन सकते हो इसको, अगर आपको थोड़ा चौड़ा बनाना है। आप इस आंख में चोली भी खेल सकते हो जैसे अभी हुआ, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी पहन सकते हो, इससे आपके कान भी कवर हो जाएंगे, लेफ्ट राइट, ये मॉडल है इतने पैसे काटना है इसके। ठीक है, तो आपने देखा कितने सारे तरीके से हमने बंडाना को पहन लिया, तो ये है तरीका। और इसका प्राइस है, देखो अगर ऑनलाइन खरीदोगे तो ये आपको 150 या 160 रुपए का पड़ेगा, ये मुझे पड़ा है 175 रुपए का, ठीक है। और अगर आप ठेले वगैरह से खरीदोगे, लोकल मार्केट, स्ट्रीट मार्केट से, तो ये आपको 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, प्रिंट पे डिपेंड करता है और कपड़े पे डिपेंड करता है, ये बहुत स्ट्रेची होते हैं, और लड़कियां इसको एज अ रबर बैंड भी यूज़ कर सकती हैं इस तरीके से, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है ऐसे, ठीक है। और जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में क्या करना है, इसको ऐसे लेना है, ठीक है, ये लोग हाथ में पहन लेते हैं इसको, और आपके पसीना पोंछने के लिए, क्योंकि इसका कपड़ा ऐसा है
कि गर्मियों में आपको थोड़ा सा इसका पसीना वसीना सोख लेता है और सर्दियों में थोड़ा सा गर्म भी रहता है। इसका अच्छा कपड़ा है मतलब इसका। नाक पोछने के लिए नहीं है ये, इसे नाक पोछने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सो ही इज बैक टू हिज प्यूमा। नाइस। कौन से वाले हैं वो? ना पीले वाले चावल अच्छे लगते हैं ना ये। पहले तो हम बचपन में तो बहुत बनते थे ना, ये बनाते ही रहते थे। अच्छे लगते हैं, सॉस के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं। सुबह आलू का पराठा खाते हैं ना इसलिए। तो ये आ गए मेरे पीले वाले चावल, वेजिटेबल पुलाव। इसमें गाजर, मटर, आलू और देख लें। कोई कोई लोग चावल बनाते हैं घोंटे देते हैं चावल, वो अच्छा नहीं लगता है ना, घोंट जाते हैं पूरे, वो अच्छे नहीं लगते चावल, ऐसे लगते हैं खिचड़ी सा। अरे चावलों की वैरायटी भी, जब तक धूप ना निकले शरीर खुलता नहीं है ना, अंदर घुसे रहो बेकार सा लगता है। धूप निकल जाती है एकदम अच्छा सा फील होता है, खिली खिली धूप। स्मेल भी निकल जाती है। शिवानी तेरी ना कल तूने कौन सी जैकेट पहनी थी? इसमें ना पता नहीं सीलन की स्मेल आ रही थी मुझे, इसमें धूप लगा रहे थे। किसकी? सीलन की सी स्मेल आ रही थी इसकी जैकेट में ना। धूप क्या धो लेगी उसे? नहीं फिर भी धूप में थोड़े बैठ जाएंगी ना तो स्मेल उड़ जाएगी। कोई भी चीज़ स्मेल, पसीने की स्मेल होती है ना ऐसी सी चीज़। अरे धूप वो धो लेगी एक बार, धूप में निकल जाते हैं या धो लो। एक और कपड़ा अब बाजू का, वो भी रसोई में पहनती थी। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं अभी ब्लैंकेट के अंदर हूँ, ग्लव्स भी पहने हुए हैं। बहुत तेज ठंड चढ़ रही है, दवाई ले ली है लेकिन चेहरे पे भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल, इसलिए ऐसी हालत हो रही है मेरी। हाँ व्लॉग बना रही हूँ मैं, बहुत तेज ठंड चढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज, आंखें जल रही हैं। दवाई ले ली है लेकिन फिर भी आंखें जल रही हैं और चेहरे पे ऐसी कपकपी चढ़ रही है बहुत तेज। अरे धूप में बैठ जाना सामने की चेयर पे आ रहा है। कल इन्होंने ड्रेस के नीचे लेगिंग वगैरह कुछ नहीं पहन रखी थी और मैं जरा सा पहन को एक बार फिर देखो, मैं तो लेगिंग के साथ ही पहनती हूँ, इनसे नहीं हुई चाहिए। अरे प्लेट का ले गई। इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे थे तो ठंड लगी है मुझे, या मैं जी 23 पे फॉलो कर लेना, या मैं जी 23 नुक्सा। आपने कहा नुक्सा कुछ भी समय ले, अम्मा हमारी ने दवाई देकर तुरंत पैक नुक्सा कुछ भी हो, मैं कह रही हूँ मतलब मेरा सब वो सही है, बोलिए सही। ये पर्दा पीछे से खोलो, मैं थोड़ा सा धूप का चौंधा आ रहा है, तो अभी आ रही थी इन्होंने बंद करा दिया आगे वैसे। ये इसका पर्दा खोल दो ना, शीशे पे से तो आएगी आपके पीछे है। खोल दो बेटा सिद्धि। क्या हुआ सिद्धि? तेने उसको पजामा ले लिया सिद्धि, क्या हुआ नींद आ रही है? फिर तुमने तो रील भी नहीं बनाई, फिर तुम्हें क्या हुआ? सिद्धि क्या हुआ तुम्हें? वो नहीं खाना आलू का पराठा? हुआ क्या? रोल ले, ले, सिद्धि खा ले चल। सिद्धि ऐसे करोगी तो सब लोग डिसलाइक करेंगे फिर तुमको। क्या बनाया? आलू पराठा। आलू का पराठा बच जाए तो उसमें नमकीन भर के खा लो, उसे कहते हैं आलू पराठा रोल। अल्का
मेरे को नहीं मन पी लो ओह ओहो उसमें दे देना एक वो ट्रे में छोटी वाली में दे देना वो हटा ले मलाई हटा ले ऊपर से इसे कागज से हटा दे मुझे मलाई नहीं अच्छी लगती ऊपर गंदा लगता है मुझे बहुत चाय के ऊपर अरे इसे हटा दे न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेके वो हटा दे गंदा लगता है मुझे ये है तो सही चम्मच उल्टा वो पीछे से हटा दे ये है हटा दे इसको बहुत गंदा लगता है मुझे एक दूध के तो अपने हाथ से हटाते हैं दूसरे से क्या हटवाना नहीं क्यों चाय वाला जो बना के लाता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है मलाई ना पड़े तो मैं बिना मलाई के बनाए तो लाइक आपने ठंडी करी मलाई मुझे बहुत गंदी लगती है चाहे दूध के ऊपर हो चाहे चाय के ऊपर हो आई हेट मलाई मुझे क्या पता है ला दे दे ला दे दे बिस्किट डाल दे दो यही दे दे अरे चाय ना गिर जाए यार क्या हो रहा तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मैंने दवाई खा ली थी शाम को तो उससे थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिला था चाय वाय पीने के बाद और उसके बाद रिलीफ मिला था फिर मैंने रेस्ट कर लिया और अब मैंने डिनर भी कर लिया है अपना क्योंकि जब तक मुझे इतना ज़्यादा जलन और इतनी ज़्यादा कपकपी चढ़ रही थी ठंड की वजह से लेकिन अभी चलो अभी तो दवाई का असर है तो अभी ठीक है एक बार रात को टैबलेट ले लूँगी अगर थोड़ा सा भी लगा तो वरना अगर नहीं लूँगी तो मुझे सुबह लेनी पड़ेगी तो क्योंकि ज़्यादा मैं दवाइयों से बचती हूँ मुझे डर लगता है ज़्यादा दवाई खाने से तो इतने बड़े बड़े कैप्सूल होते हैं और मुझे बहुत डर लगता है उससे जब बज रहे हैं रात को 10:30 और 10:30 बज रहे हैं अब मुझे ना अब जैसे बीच में 8 बजे करीब तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था लेकिन फिर से मुझे वही चीज़ हो रही है जैसे दिन में हो रहा था ठंड चढ़ रही है और सर दर्द शुरू हो गया फिर से और यही चीज़ मुझे सुबह भी हो रही थी तब मैंने दवाई ली थी अब दवाई का असर अब ख़त्म हो गया ना 4-5 घंटे हो गए तो अब बस फिर दोबारा से वही शुरू हो गया ठंडक कब कभी चढ़ रही है और फिर से सर में दर्द हो रहा है वही आँखें जलनी शुरू हो गई अब मुझे फिर से दवाई लेनी पड़ेगी यार जिस चीज़ से बच रही थी ना फिर दोबारा से वही दवाई लेनी पड़ रही है वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता दवाई खाना और वो तो अच्छा हुआ मैंने खाना खा लिया वरना अगर पहले से फीवरिश फील होने लग जाता तो मैं खाना नहीं खा पाती उस टाइम मुझे फीवर नहीं था इसलिए मैंने खाना खा लिया 2 रोटी खा ली थी मैंने अब मुझे फिर से होने लग गया तो अब मैं दवाई लेके ना अभी थोड़ा काम करके फिर सोऊंगी चलो मैं रखती हूँ है ना रखती हूँ मैं कोई कॉल पे बात थोड़ी कर रही हूँ मेरे को लगा कि मैं कॉल पे बात कर रही हूँ क्या अच्छा चलो मैं रखती हूँ गाइस तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ आई होप कि कल मैं ठीक हो जाऊँ बिल्कुल चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन टेक केयर बाय बाय गुड नाइट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल यामी सिंह एंटरटेनमेंट Good night.